नमस्कार, हिम्बुटी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आप मानव शरीर के रूप व उनके इलाज से संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मखाना एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे लोग व्रत में जरूर खाते हैं। इसे स्नैक्स में भूनकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। उपवास में इसे फलहारी में शामिल करने के पीछे की मुख्य वजह इसके पोषक तत्व है जो आपको ऊर्जावान बनाए रखता है। इसमें हम आज आपको दूध में मखाने उबालकर खाने के लाभ के बारे में बताएंगे ताकि आप जितनी जल्दी हो अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। मखाने के लाभ क्या है? मखाने में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इसी वजह से डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स माना जाता है। यह डायबिटीज जैसी बीमारियों में बहुत लाभ पहुंचाता है। इसको खाने से गंभीर बीमारी की चपेट आने से आप बच जाएंगे। वहीं जो लोग मखाने का सेवन करते हैं उनका वेट बढ़ता नहीं है। इससे भूख कम लगती है जिसके कारण आप ओवर डाइटिंग से बच जाते हैं। यह आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। इसको दूध में उबालकर खाने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा स्किन पर भी चमक आती है और साथ ही बाल भी हेल्दी होते हैं। मखाने के नुकसान। दिल की सेहत के लिए भी मखाने बहुत अच्छा नहीं होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है जो आपके लिए हार्ट अटैक का भी कारण बन सकती है। गर्भवती महिलाओं को अपनी डाइट में मखाने शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। बिना इसके मखाने खानपान में शामिल करने से प्रेग्नेंट औरतों को परहेज करना चाहिए। वहीं जो लोग किडनी की समस्या से पीड़ित उन्हें भी मखाने खाने से परहेज करना चाहिए। मखाने पोटेशियम से भरपूर होता है जिससे किडनी प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। हम समय समय पर आपको अनेक औषधियों के बारे में, बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।